हाय स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना। अगर आप NISEL AO की एग्जाम्स की बात सोच रहे हो कि मैं NISEL AO का फॉर्म भरना चाहता हूं, तो दो बातें मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको चौंका देगी। सबसे पहली बात दोस्तों यह है कि NISEL AO का जो एग्जाम हुआ था वो 2018 में हुआ था, लास्ट जो एग्जाम हुआ था, और 2018 के अंदर जो इसकी कट ऑफ गई थी वो कट ऑफ गई थी जनरल की, अगर मैं आपको बताऊं देख करके। हाँ, तो जनरल कट ऑफ यहाँ पे SC का कट ऑफ गया था 70, SC का कट ऑफ 70.55 गया था, OBC का कट ऑफ 75 गया था, और आपका जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसका जो कट ऑफ गया था वो 80.25 गया था। और ध्यान रखिएगा, ये जो कट ऑफ बता रहा हूँ मैं 2018-19 की बता रहा हूँ, जो कि आउट ऑफ 100 है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये बात आपको चौंका देगी कि सर कट ऑफ ऑलरेडी बहुत हाई है, SC ऑलरेडी 70 पे है, जनरल ऑलरेडी 80 पर जा रहा है, और OBC ऑलरेडी 75 पे जा रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको और बताता हूँ कि सेक्शन कट ऑफ उतना ही कम था। सेक्शन कट ऑफ की बात करें तो इंग्लिश का कट ऑफ जो SC OBC के लिए था वो 8.75 था, और जनरल कैटेगरी वालों के लिए 12.5 था। इसी तरह से रीजनिंग का जो कट ऑफ गया था वो SC OBC और PWD का गया था 2.75, जनरल का गया था 5.75, और इसी तरह से क्वांट का गया था जनरल के लिए 4 और बाकी कैटेगरी के लिए 1.5 मार्क्स। नाउ यू कैन सी एक चेंज, आप देख सकते हैं कि गाइस कट ऑफ कितना कम था। इसका मतलब है पेपर का लेवल अच्छा होगा, लेकिन जो एस्पायरेंट जिन्होंने एग्जाम दिया है डेफिनेटली उनके अंदर कंपटीशन बहुत अच्छा रहा होगा। तभी भी 100 में से कट ऑफ गया था 80। सो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए बहुत चौंकाने वाला जो है एक इंपैक्ट है। मैं इसके ऊपर एक पूरा वीडियो भी आपके साथ करने वाला हूं, लेकिन अभी हाल ही में आपको बस केवल शॉर्ट्स के फॉर्म में मैं आपको ये बात बता रहा हूं, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा, NISEL AO क्रैक कर सकते हैं, IBPS PO लेवल की आपको तैयारी करनी होगी। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।